गाइज, हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस की बहुत यूज करते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि जले पर नमक मत छिड़को, तुम मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो, क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे क्या आपको पता है? गाइज, अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना, इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं एड इंसल्ट टू, एड इंसल्ट टू। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज कर देनी है एड इंसल्ट टू, इसके बाद नाउन या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके बाद आपको यूज कर देनी इंजुरी और लास्ट में अदर वर्ड्स। मैं आपको और एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो आप एड देख रहे हैं ये एक मेन वर्ब है, जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे कि एड, एडेड, एडिंग, एड्स, ये सब। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जले पर नमक मत छिड़को, डोंट एड इंसल्ट टू इंजुरी, डोंट एड इंसल्ट टू इंजुरी। उसने हमारे जले पर नमक छिड़क दिया, He added insult to our injury. He added insult to our injury. तुम मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो, You are adding insult to my injury. You are adding insult to my injury. मेरे जले पर नमक छिड़कना बंद करो, Stop adding insult to my injury. Stop adding insult to my injury. जले पर नमक मत छिड़को, डोंट एड इंसल्ट टू इंजुरी, डोंट एड इंसल्ट टू इंजुरी। वो तुम्हारे जले पर नमक छिड़केगी, सी विल एड इंसल्ट टू योर इंजुरी, सी विल एड इंसल्ट टू योर इंजुरी। वो सबके जले पर नमक छिड़कता है, ही एड्स इंसल्ट टू एवरीवन्स इंजुरी, ही एड्स इंसल्ट टू एवरीवन्स इंजुरी। उसने हमारे जले पर नमक छिड़क दिया, He added insult to our injury. He added insult to our injury. क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? Why are you adding insult to injury? Why are you adding insult to injury? क्या वो तुम्हारे जले पर नमक छिड़क रहा था? Was he adding insult to your injury? Was he adding insult to your injury? मैं किसी के जले पर नमक नहीं छिड़कता। I don't add insult to anyone's injury. I don't add insult to anyone's injury. क्यों सबके जले पर नमक छिड़कते हो? Why do you add insult to everyone's injury? Why do you add insult to everyone's injury? मुझे पता था कि वो तुम्हारे जले पर नमक छिड़केगा। I knew he would add insult to your injury. I knew he would add insult to your injury. तुम्हें उसके जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए था। You should not have added insult to her injury. You should not have added insult to her injury.